हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग जल्दी से बनाते हैं गरम गरम देसी भुने हुए चने। ये बहुत ही मस्त लगता है बारिश के मौसम में, और वैसे भी कभी शाम को ऐसे खाना हो हेल्दी का हेल्दी और देसी का देसी। मैं चना और मूंगफली भूनने वाली हूँ, और ये है नमक, उसमें मैं भूनूंगी। आपके पास बालू हो तो आप बालू में भी भून सकते हैं। तेज़ फ्लेम पे मैंने नमक को काफ़ी अच्छा गर्म कर लिया, 6-7 मिनट। जब एकदम अच्छा धुआं आने लगा है तब मैंने चना डाला है। और ये नमक बाय द वे मेरा कई बार का यूज़ किया हुआ है मैंने, मतलब पॉपकॉर्न वगैरह भी मैं इसी में भूनती हूँ। बहुत ही मस्त भुनता है, तो मैंने सोचा कि आज चना भी भून रही हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो नहीं आता ऐसे भूनने, लोग वैसे रोस्ट करवाते हैं। ये घर में देसी तरीके से ऐसे हो सकता है, हर बार बाज़ार से जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तेज़ गर्म हो गया और 2 मिनट मुश्किल से लगता है, उसमें धीरे धीरे आप चलाते रहिए बस। और ये आपको दिख सकता है, देखिए पहले आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप 3-4 ऐसे बस थोड़े से डाल के देख लीजिए, आपका फूटने लगेगा और आपको अंदाज़ भी हो जाएगा कितने देर में आपका होगा। मैं लोहे के कढ़ाई में इसको कर रही हूँ, आप किसी भी XYZ किसी भी कढ़ाई में कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। लोहे के कढ़ाई में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आप इसी तरीके से, अब देखिए वो चना भुन गया था मेरा, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चना डाला। इसको मस्त बस थोड़ा सा 1 मिनट चलाते रहेंगे, और 1 मिनट के पहले ही ये थोड़ा थोड़ा सा फूटना शुरू हो जाता है, तो आपको दिख सकता है। आप देखिए थोड़े थोड़े से कुछ कुछ फूटने लगे हैं चना, बहुत ही मस्त लगता है। आप चाय के साथ लीजिए इसको, अचार के साथ खाइए, दाना बनाइए, भुजा बनाइए, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी का हेल्दी भी होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अभी फूट गए हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है। मैंने वीडियो इसमें कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, तो एकदम इतना ही टाइम भी लग रहा है। तो देखिए कुछ कुछ अभी रह गए, सारे नहीं फूटे हैं, तो मैं एक बार और इसमें अभी थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, बस 30 सेकेंड्स और रोस्ट करेंगे, सारे फूट जाएंगे। और एक बात को और ध्यान रखना होता है कि इसमें डायरेक्ट चना बस डाल के रोस्ट करना, आपको सोक नहीं करना है चना। और क्या बोलते हैं, छोटे चने जो होते हैं वो ढंग से नहीं फूटते, तो आपको बड़ा वाला जो बाज़ार में चना आता है ना वही वाला लेना है। छोटे वाले चने पता नहीं क्यों फूटते ही नहीं है, मुझसे तो नहीं फूटते हैं। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, मुझसे तो बिल्कुल नहीं फूटते। तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड बड़े चने पर, तो मैं थोड़ा सा मूँगफली भी साथ में भून रही हूँ, तो मुझे मूंगफली भी अच्छा लगता है, तो मूंगफली भी मैं साथ में भून रही हूँ, चना मूंगफली भूनेंगे। आप देख सकते हैं मूंगफली में थोड़ा सा और भी कम टाइम लगता है, और आप चाहें तो रोस्ट करने के बाद इसका छिलका हटा भी सकते हैं, और ऐसे खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। चना में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मूंगफली तो और भी कम टाइम पे हो जाता है। और बस आप उसको चलाते रहिए, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, वरना ये काला हो जाएगा, एक साइड से ही सिर्फ रोस्ट होगा। और बस आपका देखिए कितना मस्त रोस्ट हो गया है। तो आप ये फिर ये नमक ठंडा हो जाए, फिर रखिए, स्टोर करिए डिब्बे में, और मतलब काफ़ी टाइम, तो महीनों, 1 साल 2 साल 4 साल आप यूज़ कर सकते हैं इस नमक को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नमक मैं भी बहुत बार, कम से कम 50 बार भी यूज़ की होंगी मैं भी, तो नमक का कलर इसलिए ऐसा हो गया है, बट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मूँगफली मस्त एकदम रोस्ट हो गया, भुन गया है। और जो भी करना है हमें तेज़ फ्लेम पे और जल्दी जल्दी करना, ये नहीं कि डाल दिया उसके बाद धीमे फ्लेम करके कहीं इधर उधर जा रहे हैं, वो कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही मस्त रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। डू ट्राई इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।